बीए पार्ट वन के स्टूडेंट्स के लिए उनका लेसन नाइन्थ लेके आया हूँ, जिसका टाइटल है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यंग मैन एंड रिटन बाय लाल बहादुर शास्त्री। और बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट द ऑथर। ऑथर के बारे में आपको कुछ बता दूँ। वीडियो वन और टू, देर विल बी टू वीडियोज ऑन दिस लेसन। After Jawaharlal Nehru's demise, Lal Bahadur Shashtri became the second Prime Minister of India. Lal Bahadur Shashtri ji ka naam famous hai, world janta hai, sari duniya janti hai ki wo bahut hi mahan vyaktitav ke manushya the, vyakti the. Aur Jawaharlal Nehru ke dehant ke baad wo second Prime Minister हमारे देश के बने, भारत के बने। ही वॉज बोर्न इन मुगलसराय, मुगलसराय में उनका जन्म हुआ था। एंड हिज फादर शारदा प्रसाद श्रीवास्तव वॉज स्कूल टीचर और उनके पिताजी अध्यापक थे, स्कूल के अध्यापक थे। शास्त्री जी वॉज जस्ट वन ईयर ओल्ड व्हेन हिज फादर डाइड। जब वो एक वर्ष के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया था। महात्मा गांधी इन्फ्लुएंस्ड हिम वेरी मच। महात्मा गांधी जी को उन्होंने अच्छी तरह से जाना, पढ़ा, उनसे बहुत प्रभावित हुए। इंडियाज विक्ट्री और पाकिस्तान इन इंडो पाक वॉर इन 1965 मेड हिम ए नेशनल हीरो। 1965 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो उसमें वो एक नेशनल हीरो बन गए। हिज स्लोगन जय जवान जय किसान बिकेम वेरी पॉपुलर एंड इज यूज्ड प्रेजेंट टाइम आल्सो। उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। 1965 में विजय प्राप्त की थी, क्रशिंग हार हुई थी पाकिस्तान की उसमें, तो उसके बाद उन्होंने ये नारा जय जवान जय किसान। किसान इस वजह से उन दिनों में गेहूं की फसल या दूसरी जो फसलें थी, किसान की पैदावार अच्छी नहीं ले सकते थे, कुछ कमियां थी सिस्टम में, तो उन्होंने वो दूर की और हरित क्रांति देश में उनके समय में ही आए। बिकेम वेरी पॉपुलर एंड यूज्ड एट द प्रेजेंट टाइम आल्सो। ये जो नारा है उनका जय जवान जय किसान का, आज भी उतना ही उपयोगी है, उतना ही बिल्कुल कारगर है, यूज किया जाता है। ही डाइड ऑफ ए हार्ट अटैक आफ्टर साइनिंग द टास्क एंड एग्रीमेंट ऑन द 10th जनवरी 1966। 10 जनवरी 1966 को टास्क में समझौता साइन करने के पश्चात नेक्स्ट डे उनका रहस्यमय स्थिति में देहांत हो गया था, हार्ट अटैक हुआ था। अबाउट द एसे, एसे के बारे में, द प्रेजेंट एसे इनफैक्ट इज द अब्रिज्ड वर्शन ऑफ हिज स्पीच ऑफ द स्पीच डिलीवर्ड बाय हिम एट द कन्वोकेशन प्रोग्राम इन द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑन 19 दिसंबर 1964। 1964 को उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी कन्वोकेशन प्रोग्राम के दौरान, और उस स्पीच का एक छोटा सा एक्सर्प्ट है, एक पीस है, टुकड़ा है। इन दिस एसे शास्त्री जी टेल्स अस अबाउट द रोल ऑफ द इंडियन यूथ। इस एसे में शास्त्री जी हमें इंडियन यूथ का की क्या भूमिका होनी चाहिए उसके बारे में बताते हैं। देश की डेवलपमेंट में, इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, क्या डेवलपमेंट में क्या भूमिका, अहम रोल अदा कर सकता है इंडियन यूथ, उसके बारे में डिटेल्ड समरी। अब हम डिटेल समरी लेके चलते हैं, मेन पॉइंट्स हैं, काफ़ी डिटेल में हमने एक्सप्लेन किए। शास्त्री जी बिगिंस दिस एसे बाय मेकिंग एन अपील टू द इंडियन यूथ। इस एसे को वो शुरू करते इंडियन यूथ से वो एक अपील करते हैं, और टू थिंक themselves as citizens of their country at every stage of their life। कहते हैं कि जीवन की कोई भी स्टेज हो, आप प्रौढ़ अवस्था में चले जाइए, आप वृद्ध भी हो, बुजुर्ग भी हो गए हो, या 50 साल में है या 70 साल में है, हर वक्त अपने आप को अपने देश का नागरिक महसूस कीजिए, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अपने मन में रखिए अपने देश के प्रति। तो इस तरीके से अपील उन्होंने की, टू थिंक themselves as citizens of their country at every stage of their life। बहुत महत्वपूर्ण बात कही।
The constitution of the country has conferred on them certain rights. फिर कहते हैं कि हमारे जो संविधान है, हमारे देश का संविधान है, संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कुछ अधिकार दिए, अधिकार प्रदान किए, confer किए on them certain rights. But at the same time, their rights bring certain responsibilities. और साथ में ये भी ऐड करते हैं, राइट्स दिए हैं, हमारे अधिकार हैं, साथ साथ अधिकारों के साथ हमारी ड्यूटीज भी बन जाती है, हमारी जिम्मेवारियां हो जाती है, उत्तरदायित्व हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, विच हैव टू बी क्लियरली अंडरस्टूड. और वो अधिकार तो हम बहुत शीघ्र ही समझ जाते हैं, परंतु हम अपनी जो ड्यूटीज बनती है उनको नहीं समझते, हमारी जो जिम्मेवारियां बनती है उनको नहीं समझते इतनी जल्दी. तो उनको समझने पर बल दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने. इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है. एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री एंजॉयज फ्रीडम, और देश का प्रत्येक नागरिक फ्रीडम स्वतंत्रता एंजॉय करता है, आप सब जानते हैं. बट शास्त्री जी सेज दैट फ्रीडम ऑलवेज ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज. शास्त्री जी कहते हैं कि जो स्वतंत्रता होती है जिम्मेवारियां लाती है, जिम्मेवारियां साथ होती है उसके. A number of voluntary restraints are to be applied in the interest of organized society. और फिर क्या करना है हमें? A number of voluntary होते हैं इच्छा से, willing. Restraints means limitations अपने ऊपर लगानी है. Responsibility पूरा करने के लिए हमें अपने ऊपर कुछ restraints लगाने हैं, कुछ limitations अपने आप को सीमित करना है, अनुशासन की जो पाबंदी होती है वो लगानी है. इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं तो उनके प्रति हमारे कर्तव्य बनते हैं. दीज वॉलंटरी रिस्ट्रेंट्स आर टू बी एक्सरसाइज्ड एंड डेमोंस्ट्रेटेड इन एवरी डे लाइफ. और ये जो वॉलंटरी रिस्ट्रेंट्स हैं, अपनी इच्छा से लगाई हुई पाबंदियाँ अपने ऊपर हैं, इनको एक्सरसाइज करना है, इनपे चलना है, और इनको शो भी करना है, दिखाना भी है कि हम चल रहे हैं. इन एवरी डे लाइफ, जो हमारी प्रत्येक दिन का दिनचर्या होती है उसमें उनको प्रदर्शित करना है, दिखाना है, करना है, अमल करना है उनपे. शास्त्री जी राइट्स दैट ए गुड सिटीजन ऑलवेज ओबेज द लॉ. शास्त्री जी कहते हैं जो एक अच्छा नागरिक होता है हमेशा कर्तव्य को मानता है, अनुपालना करता है, ओबे करता है उसपे, और जो लॉज हैं, कानून हैं, उनपे चलता है. ही ओबेज द लॉज स्पॉन्टेनियसली, और जो कानून है देश के उनको प्राकृतिक रूप से मानता है, स्पॉन्टेनियसली मानता है, ये नहीं है फोर्स वे में जबरदस्ती आप डर के मारे कानूनों को मानते हो, वो गलत है. एक कुदरती आपका फॉर्मेट ऐसा हो जाना चाहिए कि आप कानून मानने वाले हो. जैसे ट्रैफिक नियम है, आप हेलमेट लगा के चलते हो, सारे कायदे कानून आप निभा रहे हो, चल रहे हो, अमल कर रहे हो, तो स्पॉन्टेनियस है. अगर आप देख के कि आगे चौक पे पुलिस खड़ी है या नहीं खड़ी है, हमें हेलमेट लगाएं या ना लगाएं, वो स्पॉन्टेनियस नहीं है. अंडर एनी टाइप ऑफ प्रेशर, कोई भी प्रेशर हो आप स्पॉन्टेनियस रहो. ही टेक्स डिलाइट इन परफॉर्मिंग हिज सिविक ड्यूटीज. और वो नागरिक, जो अच्छा नागरिक है, जितनी भी ड्यूटीज हैं उसकी, कर्तव्य बनते हैं, उनको अमल करने में, उनको निभाने में खुशी महसूस करता है. सपोज कोई कागज पड़े हैं, कहीं पॉलिथीन पड़े, उसको उठा के उसे मन को प्रसन्नता होती है. जितने भी कायदे कानून हैं उनको निभा के उसे खुशी होती है. इन द ओल्डन डेज, पुराने जमाने में, sense of self-restraint and discipline were inculcated by the combined efforts of the family and the teacher. कोई 30-40 वर्ष पहले आप ये मान लीजिए, ये जो किया जाता था, ये जो values inculcate की जाती थी, education जो moral values की थी, ये family और अध्यापक दोनों के combined efforts से मिलती थी. सेंस ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट, ये जो सेल्फ रिस्ट्रेंट की भावना आती थी, अपने आप पे जो पाबंदी लगा, ये नेचुरल वे में जो बिहेवियर निकल के आता है, ये पहले कंबाइंड एफर्ट से होता था.
फैमिली और टीचर, परिवार में भी सीखता था बच्चा और स्कूल में जाता था वही वैल्यूज वही सीखता था, क्लैश नहीं होता था वैल्यूज का। अध्यापक सिखा रहे हैं स्कूल में कॉलेजेस में, परंतु घर में वो टूट रही हैं वैल्यूज, पेरेंट्स वो नहीं काम पूरा कर रहे हैं, तब बच्चा क्लैश में आता है, वो टकराव होता है, फिर समाज में वो चीज़ें नहीं मिलती। फिर समाज भी अगर आप देखो, प्रत्येक बच्चा देश का स्कूल में से निकल के आ रहा है, पहले परिवार में से निकला, परिवार एक प्रोसेसिंग फैक्ट्री प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूशन बनी जहां मॉरल वैल्यूज दी गई, फिर स्कूल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बने उसका, और फिर सोसाइटी में बच्चा जाए पूरा अच्छा परिपक्व मैच्योर होके जाता है। अगर परिवार अपना काम पूरा नहीं कर रहा है, स्कूल अपना काम पूरा नहीं कर रहा है, तो समाज में वही चीज़ें आएंगी जो उसने इनकल्केट नहीं करी, वही रिफ्लेक्शन उन चीज़ों का आएगा। तो क्लैश ऑफ वैल्यूज यहाँ होता है। आगे चलते हैं। शास्त्री जी फर्दर सेज दैट पेरेंट्स डू नॉट फाइंड इनफ टाइम टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। कारण भी बताते हैं शास्त्री जी, कहते हैं कि आज का पेरेंट जो है बहुत बिजी है, इकोनॉमिक प्रेशर है उसके ऊपर, पहले आवश्यकताएं कम थी, जरूरतें बहुत कम थी, आज के युग में हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं वो भी कम पड़ जाता है, तो वो तो लगे हुए हैं पैसा कमाने में, थके मांदे आते हैं और बच्चे ट्यूशन पे चले जाते हैं, और बच्चे में कहाँ वैल्यूज मिली। अगर बच्चा छोटा है तो किसी आया किसी सर्वेंट की केयर में उसको रख लेते हैं, प्ले स्कूल में भेज देते हैं, तो माँ का टच पेरेंट्स का टच उसको नहीं मिला बच्चे को, और वो ह्यूमन वैल्यूज उसमें नहीं आई, और स्कूल में अचानक उसको ह्यूमन वैल्यूज दे रहे हैं, देने की कोशिश करते हैं टीचर, तो वहाँ बात नहीं बनती, कंबाइंड एफर्ट से बात बनेगी। तो इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से ये बात हो रही है। आफ्टर दिस शास्त्री जी राइट्स दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज ग्रोन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। दूसरा कारण ये बताते हैं शास्त्री जी कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है स्कूल्स में कॉलेजेस में, जो संख्या है बच्चों की वो बढ़ गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उतना, कमरे नहीं है, बेंचेस नहीं है, तो एक एक सेक्शन में 60 बच्चे 50 बच्चे तक बैठते हैं, जबकि ऑप्टिमम रेशो 30 की होनी चाहिए। After this, Shastri writes that the number of students has grown in the educational institutions up to the extent that it has become difficult for the teacher to have personal contact with the students. तो आज के टीचर को पर्सनल कॉन्टैक्ट कहाँ मिलता है, कहाँ कर सकता है वो, बच्चों के होमवर्क चेक करने में टेस्ट लेने में उसमें बिजी है, आजकल के जितने पब्लिक स्कूल्स हैं एक्टिविटीज जितनी होगी टीचर्स बिजी रहता है उस, और दूसरी बात ये होती है कि उसको टाइम नहीं देते, पीरियड सारे लगे होते हैं, 8 पीरियड अगर हैं तो 8 के 8 लगा देते हैं, तो टीचर को कहाँ टाइम मिला बच्चे के साथ बात करने का, पर्सनल कॉन्टैक्ट उसका जानने, पर्सनल उसके घर की बात उसके बारे में जाने, उसके व्यक्तित्व के बारे में जाने, उसे काउंसलिंग करें, कहाँ वक्त है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में ही खामियां आ चुकी हैं हमारे। तो ये तो तब की बात है जब शास्त्री जी ने 1964 में ये कहीं लिखा था, स्पीच दी थी, उस समय की बात है 1964, और अब क्या है 2018, राइट, और कितना गैप आ चुका है। पॉपुलेशन उस समय बहुत कम थी, आज के मुकाबले में बहुत कम थी, तो उस समय भी ये दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी। तो पर्सनल कॉन्टैक्ट जब तक स्टूडेंट के साथ एक रैपर्ट नहीं बनता, रिलेशनशिप नहीं बनती, तो गैप्स रहेंगे, दूरियां रहेंगी, बच्चा टीचर की बात नहीं मानेगा। एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप द स्टूडेंट्स हैव टू डिपेंड ऑन देयर ओन रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स को अपने ही रिसोर्सेज पे डिपेंड होना पड़ता है, टीचर मदद नहीं कर सकता इतनी उनकी उनके करिकुलम में। शास्त्री जी सेज दैट एवरी स्टेज इन लाइफ इज इम्पोर्टेंट। फिर कहते हैं शास्त्री जी आगे कि जीवन में जीवन का स्टेजेस होती हैं हमारी, जैसे सेवन स्टेजेस डिस्कस की गई हैं, सेवन स्टेजेस होती हैं, शेक्सपियर ने भी 7 स्टेजेस के बारे में लिखा है, तो प्रत्येक स्टेज जीवन का पड़ाव जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आफ्टर दैट शास्त्री जी राइट्स अबाउट वर्क कल्चर।
फिर उसके बाद वर्क कल्चर की बात करते हैं शास्त्री जी। वर्क हैज इट्स ओन डिग्निटी, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो डिग्निफाइड है, चाहे हम जिसे लोग छोटा कहें बड़ा कहें, कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता। इफ डन ऑनेस्टली, अगर वो ईमानदारी से किया जाए, इट गिव्स सेटिस्फेक्शन टू द पर्सन हु डज इट, जो व्यक्ति कर रहा है उस काम को, उसके मन को भी शांति होती है, तसल्ली होती है कि मैंने ये काम अच्छे तरीके से किया। Whatever duty or responsibility is given, it should be done with full devotion and sincerity. यहाँ sincerity की बात कर रहे हैं। Work culture हमारा ऐसा होना चाहिए, जो कार्य हमें assigned है, मिला है, भले ही आप किसी कंपनी में काम करते हो, तो जो काम आपको मिला है उसको पूरी निष्ठा के साथ कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पूरे अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ कीजिए और फिर देखिए कितनी आपको सांत्वना मिलेगी या तसली मिलेगी मन को। तो फुल डिवोशन और सिंसेरिटी के साथ किया गया कार्य हमेशा खुशी देता है। सच एन अप्रोच इज गुड इन इटसेल्फ एट वन एंड, इस तरह की जो अप्रोच है जीवन के प्रति अपने आप में ही अच्छी है एक तरफ, एंड ऑन द अदर हैंड इट हैज द एडिड एडवांटेज, और दूसरी तरफ इसका एडवांटेज भी मिलता है, ओपनिंग अप एवेन्यूज फॉर फर्दर एडवांसमेंट। जीवन में एडवांसमेंट के और एवेन्यूज खुलते हैं। जब आप किसी लाइन पे सोचे जा रहे हो, आप बार बार उसके बारे में सोचते हैं, तो और रास्ते खुलते हैं, आगे बढ़ने के रास्ते मिलते हैं, आपको आइडियाज आएंगे। अगर आप कभी मना नहीं करते, सोचते नहीं हैं उस बात पे, अपने टॉपिक पे, तो कहाँ मिलेंगे नए आइडियाज। समटाइम्स पीपल क्रिटिसाइज अदर्स, कई बार लोग दूसरों को की आलोचना करते हैं फॉर नॉट डूइंग देयर ड्यूटीज। वो कहते रहते हैं कि वो अपना कर्तव्य नहीं करता, उसने अपना काम पूरा नहीं किया। पहले अपने आप में झांके, वो जो लोग इस तरह से आलोचना करते हैं दूसरों की, पहले अपने आप को ठीक करें कि क्या वो 100% ठीक है, मैक्सिमम ठीक है, 100% ना सही, 80% ठीक है, कि वो अपनी निष्ठा, अपनी ड्यूटी निष्ठा से करते हैं, तब वो दूसरे को कह सकते हैं। शास्त्री जी एडवाइजेस सच पीपल दैट दे शुड सी वेदर they have done their job well before criticizing others. पहले वो जांचे, अपने आप को देखें कि क्या उन्होंने अपना कार्य पूरी निष्ठा से किया, तब वो दूसरों को criticize करें। The habit of criticizing others without ensuring that they themselves have done their duty well or not is very bad. बिना अपने आप को जाने कि आपने अपना काम निष्ठा से किया है या नहीं किया, वो गलत है आलोचना करना। और इस आप देखोगे जीवन में 80% लोग ऐसे ही मिलेंगे जो अपना काम पूरा नहीं करते और दूसरों की आलोचना करते रहते हैं। तो उन्हें चाहिए पहले अपने आप को दुरुस्त करें, दूसरों को दुरुस्त बाद में करें। शास्त्री जी टेल्स अस अबाउट आवर लॉयल्टी टू आवर कंट्री, शास्त्री जी हमारी लॉयल्टी के बारे में बात करते हैं कि हमारे देश के प्रति, अपने देश के प्रति व्यक्ति की क्या लॉयल्टी होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए। He says that we should never forget that loyalty to the country comes first. हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जो लॉयल्टी होती है अपने देश के प्रति वो नंबर वन होती है, और दूसरी टाइप्स की लॉयल्टी अपने परिवार के प्रति, सोसाइटी के प्रति नंबर दो भी आती हैं। सबसे पहले हमारी लॉयल्टी, वफादारी, निष्ठा अपने देश के प्रति होती है। इट इज एब्सोल्यूट इन इटसेल्फ, और ये एब्सोल्यूट होती है, फाइनल होती है, इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं है। It also says that anyone who fosters or promotes separatism or fissiparous tendencies of our country's enemy. और वो कहते हैं कि जो व्यक्ति separatism promote करता है, बंटवारे की भावना या बंटवारे की बात आगे बढ़ाता है, बंटवारे की को बढ़ावा देता है, या फिर ऐसी tendency जो division कॉज करें, क्रिएट करें देश में, अखंडता को खतरा पैदा करें, देश की इंटेग्रिटी को खतरा पैदा करें, वो लोग देश के दुश्मन हैं। शास्त्री जी lays stress on the need to prepare the youth of the country to train themselves in a disciplined and determined manner for the responsibilities of tomorrow. शास्त्री जी कहते हैं कि आने वाले समय के साथ, आने वाले समय में जो हमारी responsibilities होंगी, उस को फेस करने के लिए शास्त्री ले स्ट्रेस, वो इस बात पे बल दे के कहते हैं
इस बात पे बल देते हैं, ऑन द नीड टू प्रिपेयर द यूथ ऑफ द कंट्री, देश की यूथ को तैयार करने के लिए, कि देश की यूथ को, नौजवान व्यक्ति व्यक्तियों को इस तरीके से तैयार करें कि वो डिसिप्लिन वे में और डिटर्मिंड मैनर में पूरी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए तैयार होंगे। A democratic country is sustained by the cooperative efforts of the many, जो डेमोक्रेटिक देश होता है, लोकतांत्रिक देश होता है, वो एक कंबाइंड एफर्ट से चलता है। आप बंटवारा नहीं कर सकते जातियों में, धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे आप लोगों को बांट के अगर राज करना चाहते हो तो गलत होगा। आप सबको लेके राज करोगे तो सफल रहेंगे, डेमोक्रेसी भी सफल रहती है उसमें। Thus the future of the country is in the hands of the youth। इस तरह से देश का जो भविष्य है वो नौजवान तबके के हाथ में, नौजवानों के हाथ में। और दिस इज द एंड ऑफ वीडियो लेक्चर 1। वीडियो लेक्चर 2 बहुत ही छोटा है, कुछ एक स्लाइड्स हैं, वो लेके मैं अभी आता हूँ। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।